भारत माता की जय। आज हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। उड़ी के अंदर रात के 3:30 बजे सोते हुए जवानों पर नापाक पाकिस्तान किया 18 ग्रेनेड फेंककर हमारे जवानों को 18 जवान शहीद हो गए। आज हमारे बीच भाई भुवनेश सिंगल जी से भी सुना है, ऐसे मेरे बड़े भाई कभी भुवनेश सिंगल जी भी यहाँ मौजूद हैं। आपको अरे सब जगह आ जाएगी बेटा। बच्चे शो क्या नाम था? हाँ स्टील मंच पर आए। हाँ भाई आप जो लोग खड़े हैं वो भाई बलराम भाई भाई जी हमारे भाई पीछे लाओ मत यार। हमारे साथ भाई भुवनेश सिंगल जी के साथ जिस तरह से आगे आए पंडित जी पंडित आ गए हो आप कहाँ को जाना है? आ जाओ वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय। भारत माता की निवेदन करूंगा इंतजार करूंगा। पड़ोसी कर रहा है, पड़ोसी क्या कहे, है तो हमारा भाई पाकिस्तान, मगर यह है अलग हो गया। अब वो अलग होके जब गुल खिला रहा है तो ऐसे पड़ोसी को ऐसे भाई को सबक तो सिखाना पड़ेगा। एक भाई होके भाई का खून बहा रहा है, ऐसी क्यों नहीं कर लेते तुम वीरस के जितने भी कवि हो वो पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों लिखते हो? तो दरअसल मैंने उन्हें कहा कि आपने हाफिज सईद को सुना होगा, वो खुलेआम ये घोषणा करता है कि हम हिंदुस्तान को जीवित नहीं छोड़ेंगे, और जबकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, उसके बाद भी पाकिस्तान सरकार ये समर्थन देती है कि वो खुलेआम ये घोषणा कर सके, तो मैं नहीं चमन चेटके हुए हैं भारत माँ के मस्तक पर आज तमन चेटके हुए हैं भारत माँ के मस्तक पर समझौते होते रहते हैं पीठ में चुपते खंजर पर आज गर्दने चुकी हुई है नजरे हिम्मत हार चुकी चीटी जो ललकार गई थी रण में हाथी मार चुकी कश्मीरी धरती डरती है पाकिस्तानी हमलों से। मैंने एक पंक्ति
थी लिखी कि जब पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता है तो कैसा लगता है पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगते हुए। आज तमन चेटके हुए हैं भारत माँ के मस्तक पर, समझौते होते रहते हैं पीठ में छुपते खंजर पर। आज गर्दनें झुकी हुई है, नजरें हिम्मत हार चुकी, चीटी जो ललकार गई थी रण में हाथी मार चुकी। कश्मीरी धरती डरती है पाकिस्तानी हमलों से, कश्मीरी धरती डरती है पाकिस्तानी हमलों से। काटे हिस्सा मांग रहे हैं फूलों वाले। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। महक रक्त की पहुंच चुकी है खिली सुगंधित गलियों तक, हर घर में मातम छाया है, कोलाहल है गलियों तक। आज ये रिश्ते टूट चुके हैं, दर्पण लज्जित होता है, अपराधी अब जीत रहा है, राम पराजित होता है। क्रोध बेड़ियां बांधे बैठा राजनीति के शोषण में। एक पंक्ति और लिखी मैंने कि जब पाकिस्तान हम पर हमले करता है और हमारे नेता उन हमलों का जवाब नहीं दे पाते, वो खामोश रह जाते हैं, तो उस खामोशी पर एक पंक्ति लिखी।